क्षेत्र तंबौर के ग्राम औरंगाबाद मजरा मोगलापुर में पुरानी रंजिश के चलते युवक को तलवार से काट डाला। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मोगलापुर के राधेश्याम पुत्र बनवारी की गांव के ही वकील से पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसको लेकर थाने में मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें वकील पक्ष के लोगों पर धारा 151 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी बात को लेकर बाद में राधेश्याम की पत्नी द्वारा वकील पक्ष पर फिर से मुकदमा दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया, जिससे वकील पक्ष के लोग काफी नाराज हो गए और बदला लेने की नियत से वकील के करीबी इस्माइल दर्जी ने आज सुबह राधेश्याम पर उसके घर के बाहर ही तलवार से हमला कर दिया, जिससे राधेश्याम बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गया और मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया। गांव वालों के आ जाने से इस्माइल दर्जी वहां से भाग खड़ा हुआ। आनन फानन में राधेश्याम को पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामजीवन, जो कि उसी गांव के निवासी, की मदद से सीएससी तंबौर ले जाया गया, जहां हालत नाजुक होने के चलते राधेश्याम को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। ये राधेश्याम यादव एक है, इसके बाप का नाम बनवारी लाल है, यहाँ रहता है काफी समय से, और कुछ इनका विवाद चल रहा था गांव के कुछ लोगों से, तो संभवतः कल बता रहे थे लोग, प्रयास किया कि कल कॉम्प्रोमाइज हो जाए, राधेश्याम ने कोई मुकदमा डाला होगा, इसकी पत्नी ने, तो उसी में चल रहा था कॉम्प्रोमाइज के, तैयार नहीं हुआ, जिसकी बदले में समझ लीजिए आज जो है सुबह सुबह 7 बजे करीब अपने मकान के पास बैठा था एक दुकान के सामने, तो कुछ लोगों ने आकर के उसको तलवार से काटा है। मामले में इस्माइल समेत असगर अली, इदरीश, वकील अहमद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सीओ बिस्वा ने बताया कि एफआईआर दर्ज करके मुख्य आरोपी इस्माइल दर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो इस्माइल थे जिन्होंने ये घटना कारित की, वो पकड़े गए हैं और इस संदर्भ में थाना स्थानीय पे मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।